हेलो बच्चों कैसे हो आप कल की वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर एक दो तीन और चार किए थे आज की वीडियो में हम आगे वाले कार्यपत्रक पत्र हो करने वाले पाँच छह सात आठ जितने भी हमसे होते हैं उतने कार्यपत्रक आज हम करेंगे ये जो कार्यपत्रक हैं ये जो गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका आपको दी गई है इसमें सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सीखनी जरूरी हैं ये नहीं सीखोगे तब तक आपको आगे वाली चीजें हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे तो इस कार्य पुस्तिका का समझना आपको ज़रूरी है तो मैं वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो वहां पर मैं आपको पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है ये जो छोटी छोटी बातें ये पूरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो चलिए हम पाँच नंबर का जो कार्य पत्रक है उसको आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक पांच में आपको दिया गया है कौन सी दक्षता यहाँ पर समझ होगी आपकी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझना यह दक्षता यहाँ पर आपको सीखनी है सबसे पहले है निश्चित प्रश्नों के उत्तर दें माइनस आठ सौ अठहत्तर और माइनस आठ सौ पिचासी के बीच कौन कौन से पूर्णांक है तो देखिए माइनस का आठ सौ अठहत्तर माइनस का आठ सौ पिचासी तो क्या हो जाएगा आठ सौ उन्यासी उसके अंदर माइनस का आठ सौ अस्सी माइनस का आठ सौ बयासी इस तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आठ सौ चौरासी आगे माइनस का आठ सौ अठन्त्र और माइनस आठ सौ पिचासी में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है तो इसके लिए आप ये ध्यान में रखें कि जो हमारी संख्या रेखा होती है जिसमें इसमें पर क्या होता है जीरो इसके आगे एक, बड़ी एक दो तीन चार और पीछे की साइड में छोटी संख्याएं आती हैं माइनस एक माइनस दो माइनस तीन तो यहाँ पर हम देखें देखो ये माइनस तीन है ये माइनस दो है तो यहाँ पर माइनस का दो बड़ा होगा और माइनस का तीन क्या होगा छोटा होगा वैसे देखें तो माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो छोटी संख्याएं है होती हैं तो यहां पर देखिए माइनस का आठ है तो ये संख्या रेखा में इधर आगे की साइड में आएगा जबकि आठ सौ अठन्तर वो पहले यहां पर मान लो आठ सौ अठन्तर आ जाएगा तो आठ सौ पिचासी फिर आगे आएगा तो आठ सौ पिचासी जो माइनस का है वो छोटी संख्या होगी और बड़ी संख्या कौन सी होगी माइनस का आठ सौ अठहत्तर तो बड़ी यहां पर लिख देंगे हम माइनस का आठ और छोटी हम लिखेंगे यहां पर माइनस का आठ इस तरीके से अगला है माइनस आठ सौ अठहत्तर में पांच जोड़ा जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी तो देखिए माइनस का आठ सौ अठहत्तर इसमें हमें पाँच जोड़ना है तो पहले तो आप ये समझ लें कि हम जोड़ते हैं संख्याओं को तो दोनों के मतलब दोनों संख्या ऋणात्मक है तो हम जोड़ सकते हैं दोनों संख्याएं धनात्मक है तो हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास ऋणात्मक संख्या है, है, है और एक क्या है धनात्मक इनको हम जोड़ेंगे नहीं आठ सौ अठहत्तर से हमें पांच घटाना है लेकिन इसको बोला कैसे जाएगा कि माइनस आठ सौ अठहत्तर में हम पाँच जोड़ रहे हैं तो यह आएगा माइनस का आठ सौ तेहत्तर तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है वर्ष के विशेष ठंड के दिन में भारत के पांच स्थानों के तापमान आपको यहाँ पर दिए गए हैं सियाचीन का तापमान है जीरो डिग्री से पैंतीस डिग्री नीचे तो जीरो से भी नीचे है तो इसको माइनस पैंतीस से दिखाएंगे शिमला का जीरो से सैतीस डिग्री नीचे है तो क्या दिखाएंगे इसको माइनस का सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड अहमदाबाद का जीरो से साठ डिग्री ऊपर है इसको प्लस में दिखाएंगे साठ डिग्री सेंटीग्रेड तो प्लस आपको लगाना जरूरी नहीं है जयपुर का है जीरो से चालीस डिग्री ऊपर तो इसका हो जाएगा चालीस डिग्री सेंटीग्रेड और दिल्ली का जीरो से तीस डिग्री ऊपर तो इसका हो जाएगा तीस डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान आपको दिखाना है तो जीरो से ऊपर है उसको प्लस में दिखाएंगे जीरो से नीचे उसको माइनस में तो कौन सा स्थान सबसे ज्यादा ठंडा है जिसका तापमान सबसे कम है वो सबसे ठंडा होता है तो सबसे कम यहाँ पर किसका होगा शिमला का हो जाएगा क्योंकि माइनस में माइनस में माइनस का सैती सबसे छोटी संख्या है तो यहाँ पर सबसे ठंडा किसका है ठंडा कौन सा है शिमला है पर लिख देंगे हम शिमला कौन सा स्थान सबसे गर्म है जिसका तापमान सबसे ज्यादा हो वो सबसे गर्म है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर चालीस डिग्री सेंटीग्रेड तो ये किसका है जयपुर का तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर आ गया समझ आगे वाला देखो देगी पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता क्रम होता है यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो ये देखो माइनस की संख्या ये माइनस की संख्या ये छोटी होती है माइनस की संख्या तो सबसे छोटी तो कौन सी होगी माइनस का चार सौ पैंतीस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चार सौ पैंतीस उसके बाद यह आ जाएगा माइनस का दो सौ चालीस उसके बाद क्या आ जाएगा नाइनटी फाइव आ जाएगा उसके बाद में क्या आ जाएगा चार सौ पच्चीस आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा आठ सौ इक्यानवे तो इस तरीके से आपको ये करना है दूसरा प्रश्न सेम ऐसे ही है आप कर सकते हो आराम से सबसे छोटी क्या आएगी चार हजार चार सौ चौवालीस उससे बड़ी थोड़ी दो हजार दो सौ बाईस माइनस का उसके जीरो आ जाएगा उसके तीन सौ तैतीसार एक, एक सौ ग्यारह अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसके आने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे तो ही है दी गई पूर्णांक संख्याओं का अवरोही क्रम तो जैसे हमने आरोही लिखा है वैसे आपको ही आपको अवरोही लिखना है अवरोही में क्या करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का तेरह माइनस सत्तावन चौपन माइनस का 100 और माइनस का दो तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी प्लस वाली संख्या हो जाएगी चौपन तो यहाँ पर आ जाएगा चौपन डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद में देखें हम तो ये आएगा माइनस तेरह माइनस सत्तावन चौपन सौ माइनस दो तो, तो माइनस दो आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है उसके बाद में आ जाएगा माइनस का तेरह उसके बाद में आ जाएगा माइनस का सत्तावन और सबसे छोटा कौन सा होगा यहाँ पर माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ इस तरीके से आपको अवरोही क्रम में लिख देना है बस ध्यान में ये रखें अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं पहले कौन सी लिखी जाती है यहां पर क्या आएगी छोटी सबसे पहले इसमें और इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी बड़ी संख्या आ जाएगी दूसरा भी आप कर सकते हो यहां पर देखो कथनों के लिए सत्य है सत्य आपको बताना है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है यानी दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है जैसे आप माइनस दो को माइनस तीन से गुणा करते हो तो क्या आएगा छा आएगा ये प्लस का आएगा तो ये कथन क्या है सत्य है शून्य एक ऋणात्मक गुणांगे असत्य है क्यों शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या ऋणात्मक होता है शून्य को ना धनात्मक मानते हैं ना ही ऋणात्मक मानते तो ये क्या है असत्य हो जाएगा इसके बाद चलते हैं आगे वाले कार्यपत्रक में कार्यपत्रक नंबर छः बिल्कुल सिंपल सा एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखें दिए गए चित्र को छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए तो यहाँ पर देखिए कितने भाग है एक दो तीन चार पाँच छह भाग में से एक को कलर किया हुआ है तो ये हो जाएगा एक बटा छ यहाँ पर देखिए एक पूरा भाग कलर है और दूसरे का आधा भाग कलर है तो ये हो जाएगा एक सही एक बटा दो यहाँ पर दो पूरे भाग है तो दो सही इसका आधा भाग है तो एक बटा दो इस तरीके से लिखेंगे देखिए भिन्नों को चित्र द्वारा छायांकित यहाँ पर आपको चित्र बना के दिखाना है तो देखिए दो बटा तीन है तो हम पहले सर्किल बना देते हैं बटा में तीन है तो यहाँ पर तीन भाग करने इसके एक ये हो गया ये दो और तीन भाग हो गए एक दो तीन तो यहाँ पर आपको दो को है वो थोड़ा कलर से गहरा कर देना है ऐसे तो ये क्या हो जाएगा दो बटा तीन अगर एक से एक बटा दो तो ये आपका पहले क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से आप लिख सकते हो तीन बटा पाँच है तो आप सर्किल बनाओ ऐसे इसमें बीच बटा में क्या दिया गया पाँच दिया गया तो आप पाँच भाग कर दो इसके एक हो गया दो हो गया ये तीन हो गया ये चार और पांच हो गया इसमें से आपको तीन को है वो थोड़ा गहरा कर देना है तो कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन का आपको दिया गया संख्या रेखा देखकर दिए गए बॉक्स में भिन्न लिखिए तो यहां पर देखिए पहले में आपको भिन्न दे रखी है दूसरे में देखिए यहां पर जीरो है अब देखिए जीरो और एक ये वाला एक है ये जीरो इसके बीच में कितने भाग है हमारे एक दो तीन और चार भाग दिए गए हैं नहीं बट्टा में चार तभी आता है जब बीच में चार भाग है यहां पर देखिए बट्टा में छ है इसका मतलब बीच में कितने भाग है छ तीन चार पांच और चार। अब हमें यहां पर लिखना है तो देखिए एक तो पूरा हो गया ही यहाँ शुरू से हम देखें तो ये हो जाएगा आपका जीरो उसके ये वाला भाग ये आएगा एक बट्टा चार ये दो बट्टा चार ये तीन बट्टा चार ये होता है चार बट्टा चार ये होता है पांच बट्टा चार ये होता है छ बट्टा चार और ये क्या हो जाएगा सात बट्टा चार तो यहाँ पर आप सात बट्टा चार लिख सकते हो या फिर देखो एक यहाँ तक पूरा हो गया उसके एक दो तीन तो इसको आप एक सही तीन बट्टा चार भी लिख सकते हो इस वाले भाग को सात बट्टा चार लिखो चाहे एक सही तीन बट्टा चार लिखो ऐसे तीसरा करना है देखिए यहाँ पर दो भाग दिए गए हैं यानी आधा ये आधा ऐसे ही ये आधा एक से एक बट्टा दो हो गया ये आधा फिर याद आ तो ये क्या हो जाएगा दो सही एक बटा दो तो आगे देखो देखिए इस भिन्नों को शब्दों में लिखो तीन बटा आठ है ये एक सही चार बटा पांच है ये कितना है पांच बटा नौ है तो आप लिख सकते हो पांच बटा नौ इस तरीके से लिखना है आपको तो ये आप आरानी, आसानी से लिख सकते हो सारी सारी चीजें अगला देखिए क्वेश्चन नंबर पांच आपको क्या दिया गया है नीचे लिखी दो भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण है पांच बटा आठ और दो से एक बटा चार इनका आपको चित्र बना के बताना है तो इस तरीके से हम इसके आठ भाग कर सकते हैं दो दो चार दो छ और दो आठ यहाँ पर पाँच भाग आप कलर कर दीजिए एक दो तीन चार और पाँच यहाँ पर दो से एक बटा चार है तो इस तरीके से बना दो एक चित्र हो गया पूरा दूसरा हो गया तीसरा हो गया एक बट्टा चार है तो इसके चार भाग कर दो इन दोनों को पूरा कर दो और यहाँ पर एक को है वो कलर कर दो तो एक क्या हो जाएगा दो से एक बटा चार इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक कार्यपत्रक नंबर सात आपको दिया गया है तुल्य भिन्न की अवधारणा को समझ है तुल्य भिन्न क्या होती है बराबर भिन्न उसकी अवधारणा को हमें पर समझना है तो पहला प्रश्न दिया गया नीचे दिए गए चित्रों को को छायांकित भाग देखकर तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए देखिए एक बट्टा दो है तो यहाँ पर एक बटा दो के बराबर ये क्या दे रखा है दो बटा चार हमें दिया गया है इसी प्रकार देखो एक बट्टा तीन है एक बटा तीन की तुल्य भिन्न कौन सी आएगी तो एक बटा तीन की तुल्य हो जाएगी दो बटे छ दो बटा तीन की तुल्य कौन सी आएगी तो दो बटा तीन की हो जाएगी चार बट्टे छह और एक बट्टा चार की तुल्य क्या हो जाएगी दो बट्टे आठ इस तरीके से मिलान करना है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तुल्य भिन्नों के चित्रों को छायांकित भाग कीजिए यानी यहाँ आप पर आपको छायांकित करना है तो एक बट्टा तीन है तो यहाँ पर एक को छायांकित कर देंगे या तीन बट्टा नो है तो यहाँ पर तीन को छायांकित करेंगे हैं ये दोनों बराबर ही तो यहाँ पर एक को करेंगे तो यहाँ पर कितने को हो जाएगा तीन को ऐसे इसको करना है इसमें दो को छाया करना है तो इसमें कितने कित इस आप कर सकते हैं एक गुणा चार बट्टे पांच गुणा चार पांच को चार से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बीस आएगा तो एक को चार से गुणा करेंगे तो क्या आएगा चार आएगा ऐसे तीन गुणा पांच पंद्रह होता है तो चार गुना पांच दोनों को बराबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा बीस आ जाएगा यहाँ पर देखो चार दिया गया और यहाँ पर बारह दे रखा है तो चार को किससे गुणा करेंगे बारह आए तो तीन से गुणा करेंगे तो नीचे भी हमें तीन से गुणा करना पड़ेगा तो तीन से किसको गुणा करेंगे कि इक्कीस आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सात आ जाएगा सात गुना तीन इक्कीस ऐसे यहाँ पर दिया गया है ऊपर तो क्या है बीस है नीचे क्या है छत्तीस है लेकिन नीचे हमें नौ दिया गया तो नौ को किससे गुणा करें छत्तीस आए चार से गुणा करें तो यहाँ पर चार आ जाएगा तो यहाँ पर भी आपको चार लिखना है अब चार को किससे गुणा करेंगे ये बीस आ जाए तो यहाँ पर पाँच आ जाएगा यहां पर भाग का दिया गया पंद्रह में तीन का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा यहां पर अठारह में 6 का भाग दिया तीन आ गया तो चौबीस में छह तो तो नीचे अब देखो दो बट्टा है इसको हम ऊपर नीचे दो से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा चार बट्टे दस तो ये तुल्य भिन्न हो गई इसी प्रकार दो बट्टा पांच है इसको हम तीन से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे Osionfish. तो ये क्या हो जाएगा छह बट्टे पंद्रह हो जाएगा इसी प्रकार दो बट्टा पांच को चार से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा आठ बटे बीस हो जाएगा इसी प्रकार दो बट्टा चार को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं जैसे आप दस से गुणा करना चाहो तो दस से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा बीस बटे पचास इस तरीके से हम तुल्य भिन्न है वो लिख सकते हैं इसके अलावा एक बट्टा तीन है दूसरा प्रश्न इसकी तुल्य भिन्न आप आराम से लिख सकते हो इसके आंसर चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक में नेक्स्ट कार्य पत्रक नंबर आठ आपको दिया गया है दशमलव संख्याओं भिन्नों को समझकर निरूपित करने दशमलव संख्या से संबंधित कार्य पत्रक है देखिए नीचे देखिए संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए पहला संख्या आपको दी गई एक हजार आठ पॉइंट दो नौ एक तो हजार पर क्या है यहाँ पर एक है तो एक आ जाएगा सैकड़ा पर क्या है जीरो है दहाई पर जीरो है इकाई पर क्या है 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 अब दसांस, दसांस क्या होता दशमलव के साथ में पहला अक्षर तो क्या है यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समान मिलान कीजिए देखिए आठ बटा दस को हम जीरो तो पर दो बार जीरो है तो यहाँ पर क्या दो सात से पहले दो अक्षर पे दशमलव लग जाएगा तो यह जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सात तो यह वाला आ जाएगा इसका तीन बटा दस है तो इसको हम पॉइंट तीन लिखते हैं पांच बटा हजार है तो यहाँ पर तीन जीरो है तो तीन अक्षर पे दशमलव लग जाएगा तो यह आ जाएगा पॉइंट जीरो जीरो पांच चार बट्टा दस है तो इसको हम क्या लिखेंगे पॉइंट चार ऐसे इधर में रान करना है तो दो पॉइंट जीरो नौ है तो दो अक्षर पे दशमलव है तो इसको हम हटा के ऐसे लिखते हैं दो सौ नौ बट्टे दो अक्षर पे दशमलव तो बट्टा में क्या जाएगा सो तो यह आ जाएगा आपका लास्ट वाला तैयलीस पॉइंट जीरो तो इसको क्या लिखेंगे तैयलीस सो बट्टे तो ये कहां पर है यहां पर आ गया ऐसे अस्सी पॉइंट दो चार तीन तो दशमलव हट जाएगा तीन अक्षर पे दशमलव लग जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा हजार आ जाएगा यहाँ पर तीन अक्षर पे दशमलव है तो अस्सी हजार दो सौ तैयारी बट्टे हजार तो इसको इससे मिला देंगे हम ऐसे ये मिला नौ पॉइंट एक चार छः तो नौ हजार एक सौ छः आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा तीन अक्षर पे दशमलव है तो हज़ार आ जाएगा तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे और ये लास्ट में यहाँ से मिल जाएगा इस तरीके से आपको ये कर लेना है इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया आपको देगी भिन्नों की दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए सात बटा दस है तो इसको हम पहले तो क्या लिखेंगे जीरो दशमलव सात पैंतीस बटा दस है तो इसको क्या लिखेंगे तीन दशमलव पांच अभी दो बट्टा चार है अब दो बट्टा चार को आपको दशमलव में लिखना है तो हम क्या करेंगे देखो दो बट्टा चार दोनों में दो का भाग जाता है इसमें भी जाता है तो ये क्या आ जाएगा एक बट्टा दो अब हमें क्या करना है दोनों को पांच से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा पांच बट्टे दस क्या आ गया पांच बटे दस और पांच में हम दस का भाग देंगे तो क्या आएगा जीरो दसमलव पांच ऐसे यहां पर दो से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आठ बटे दस और कितना जाएगा जीरो दसमलव आठ इनको शब्दों में लिखना है तो इसको लिखेंगे हम जीरो दसमलव सात इस तरीके से आपको शब्दों में लिख देना है इसको लिख देंगे तीन दशमलव पांच इसको लिख देंगे जीरो दशमलव पांच इसको लिख देंगे जीरो दशमलव आठ आगे दिया गया है दी गई दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए सात पॉइंट नौ है तो इसको क्या लिखेंगे हम पॉइंट हटा देंगे एक अक्षर पे तो उन्यासी बट्टा दस आ जाएगा यह तीन पॉइंट तीन जीरो पांच तो इसका दशमलव हटाएंगे तीन अक्षर पे तो तीन हजार तीन सौ बट्टे क्या आ जाएगा हजार आ जाएगा आगे सड़सठ पॉइंट जीरो चार तो सड़सठ जीरो चार दो अक्षर पे दशमलव दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा सौ आ जाएगा और यहाँ पर जीरो दशमलव जीरो जीरो पाँच है तो दसमलव हम हटाएंगे तो यहाँ पर पांच बचेगा कितने अक्षर अक्षर पे पे दशमलव तो अक्सर पर क्या आ जाएगा हजार आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप है वो कर लेंगे तो अभी हमने कार्य पत्रक नंबर पाँच छ सात आठ चारों कर लिए हैं आगे वाले कार्य पत्रक भी मैं आपको वीडियो है वो बना दूंगा वो आप आराम से देख के वो कर सकते हैं किसी को कोई चीज समझ में ना आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं साथ में वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद